नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू समता ऑडियो। मैं समर रॉय, द साउंड इंजीनियर ऑफ समता ऑडियो, आपका होस्ट यहाँ पे। आज का नया एपिसोड हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आपका जो कमेंट्स है, वो कमेंट्स हम लोग देखते हैं, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, इसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आज का वीडियो भी ऐसे कुछ टॉपिक्स लेके हैं। आप लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रोड्यूस लेके बात करते हैं, प्रोड्यूस जो सॉफ्टवेयर है उसको लेके बात करते हैं। इसमें जो आप देखेंगे, अगर आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छा स्किल आपको मिलेगी। चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। आज का टॉपिक्स है कोई भी एक मॉडर्न सॉन्ग को लेके आप कैसे उसको प्रीमिक्स करोगे और कैसे उसको मास्टरिंग करोगे। ये जो पहले जो हम लोगों ने दिखाया था, एक वीडियो था वहाँ पे मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का कुछ टिप्स हमने दिया था। आज भी हम आपको देंगे कोई दूसरा टिप्स, जो दूसरा तरीके से आप उसको प्रीमिक्स कर सकते हो और मास्टरिंग भी कर सकते हो, उसको प्रीमिक्स कर सकते हो और मास्टरिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, जो सिस्टम आपको अच्छा लगे उसको आप अपनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करते करते जब आप बहुत माहिर हो जाओगे तभी आप जाके कमर्शियल प्रोडक्ट कर पाओगे। तो कोशिश जारी रखना, हौसला नहीं छोड़ना, आप प्रैक्टिस करते रहो। चलिए देखते हैं आज का एपिसोड, दूसरा तरीके से प्रीमिक्स करना और मास्टरिंग करना। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दिखाया था कि आप प्रीमिक्स कैसे करोगे और मास्टरिंग कैसे करोगे, लेकिन उस टाइम मास्टरिंग था ओजोन देके, हम लोगों ने मास्टरिंग किया था ओजोन 8 देके। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे साथ ऐसा भी हादसा कभी भी होता है कि आर्टिस्ट मतलब रिकॉर्ड करने के बाद बहुत जल्दी मिक्सिंग चाहते हैं और बहुत जल्दी मास्टरिंग करना चाहते हैं, मतलब एक ही दिन में उसका मिक्सिंग और मास्टरिंग आपको कर देना है। तो ऑब्वियसली आपको बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा उस टाइम, और ये बात भी बहुत ही क्लियर है कि उतना फास्ट करने के बजाय आपका जो मिक्सिंग होगा या मास्टरिंग होगा वो अप टू द मार्क नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके लिए टाइम जितना चाहिए उतना तो देना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा क्लाइंट बात नहीं सुनते, कभी कभार बोलते हैं कि नहीं, मेरे को एक ही दिन में 2-3 गाना करना है और उसका मिक्सिंग मास्टरिंग उसी दिन में करके हमको निकलना है। उस हालत में आप क्या करेंगे, वही मैं आप आज को दिखाना जा रहा हूँ कि शॉर्टकट पॉलिसी मिक्सिंग करने का और मास्टरिंग करने का। फिर भी इसमें भी आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो देखिए कैसे करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का जो ProTools का प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट में हम लोग एक प्रोजेक्ट लिया है, और देखिए आप जैसे कि इसको, ये हमारा मिक्स विंडो है, इसको मैं एडिट विंडो में आता हूँ। एक गाना यहाँ पे है, थोड़ा बहुत किया हुआ गाना जिसका ट्रैक्स यहाँ पे है सब कुछ। तो इतने सारे ट्रैक्स को लेके आपको एक प्रीमिक्स करना है सबसे पहले, और उसके बाद आपको मास्टरिंग भी करना है। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए अभी हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं मिक्स विंडो पर। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ट्रैक्स है, मास्टर ट्रैक जो है ये है आपका 0 dB में रखेंगे आप हमेशा, और इसमें आपको जो ट्रैक्स है सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा वोकल ट्रैक कौन सा है। यहाँ पे देखिए वोकल ट्रैक है, तो वोकल ट्रैक को प्ले करते हुए हम चलाएँगे। देखिए यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी तक, अब वोकल आएगा, जहाँ पे वोकल आएगा वहीं से हम लोग शुरू करेंगे, और वोकल के बाद हम लोग देखेंगे रिदम ट्रैक को, क्योंकि वोकल को बैलेंस करते वक्त उसके साथ साथ पहले रिदम को भी आपको ट्राई करना पड़ेगा, रिदम को बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन वोकल ट्रैक सबसे पहले हमको चाहिए, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो वोकल ट्रैक जहाँ से शुरू होता है, ये देखिए वोकल ट्रैक शुरू हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हम पहले उसको एक बार सिलेक्ट कर लेंगे कुछ हद तक। चलिए सिलेक्ट कर लिया वोकल ट्रैक को, और उसको हम मिक्स विंडो में जाके बैलेंस करेंगे। शेदिनी बुझेची
एक बंगाली सॉन्ग है, तो इसको बैलेंस ऐसा नहीं करते क्योंकि आपको पहले आवाज़ सुनना होगा। तो आपको आवाज़ सुनना है, आवाज़ सुनने के बाद आप उसको जो इंसर्ट है उसमें कुछ प्लगइन्स दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इक्यूज दे सकते हैं, उसके बाद डायनेमिक्स दे सकते हैं। तो कोई भी इक्यूज आप अगर देंगे तो उसमें आपको पहले सोचना पड़ेगा कौन सा इक्यू उसमें अच्छा लगेगा। आप 3.7 बैंड इक्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें दूसरा कोई इक्यूज यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इक्यूज फोल्डर में जाइए और उसी कैटेगरी में आपको बहुत सारे इक्यूज मिलेगा, जैसे API 560, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो भी इक्यूज आप सेट करोगे और आपका पसंदीदा अगर कोई इक्यूज सेट है आपके पास, तो उसको भी आप रिकॉल कर सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे वोकल इक्यू बोल के एक इक्यूज है, उसको मैं रिकॉल करता हूँ। देखिए यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, आपका पसंदीदा प्रीसेट आपने सेव कर रखा है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे प्लगइन्स में जाके आप रिकॉल सेटिंग्स, तो हमने एक प्लगइन्स को पहले से रिकॉल कर मतलब पहले से सेट कर रखा था, मैंने एक प्लगइन्स को पहले से सेट करके रखा था, ये था आपका जैसे देखिए वोकल इक्यू कंप्रेसर। तो इसको जैसे हम क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे 3-4 ठो जैसे कि जितना प्लगइन्स है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और ये देखिए इसमें आपका है कुछ API का 550 ये इक्यू हमने लिया है, उसके बाद एक कंप्रेसर और ये इक्यू एंड डीएसर एंड प्रीएम्प वाला एक इक्यू हमने यहाँ पर लिया है, और सबसे एंड में हमने लिया है ये वाला कंप्रेसर, ये है रेजोनेंस कंप्रेसर। सभी ओएप्स का प्लगइन्स है। अब देखिए इसमें फ़र्क क्या होता है, लेकिन ये इक्यू लगाने के बाद ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी मत सोचिए कि जो इक्यू आपने लगा दिया उसी इक्यू में आपको फटाफट से काम हो जाएगा, नहीं, आपको बैलेंस सेट करना पड़ेगा। हर एक इक्यू को हर एक वॉइस के हिसाब से आपको सेट करना पड़ता है। तो जैसे इसको चलाने के बाद आप सुनिए, बृष्टि भेजा बिकेले देखेछि तोके प्रथमे सेदिनि बुझेछि हृदयटा कि। इसको बाइपास कर रहा हूं एक करके, देखिए ये था रॉ वॉइस। तोरई हाथटा छुए गेलो सब कष्ट धुए। अभी एपीए जो है इसको ऑन करता हूं, इसमें देखिए आपको अगर थोड़ा बहुत हाइस थोड़ा सा कम चाहिए तो कर सकते हैं इसको, क्योंकि 10 kHz तक है। इसमें आप हो सकता है माइनस आपका जैसे कि प्लस 4 dB तक आप इसको रखें तो अच्छा रहेगा। और आपको और भी क्रांची साउंड चाहिए, तो इसको आप बढ़ा भी सकते हो थोड़ा सा, 6 dB कर सकते हो। इसमें आपका मिड फ्रीक्वेंसी जो है वो भी आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे है आपका लो फ्रीक्वेंसी, ये आप तीनों को लेके आप इसको चेंज कर सकते हो। और इसका आउटपुट लेवल यहाँ पे है, आउटपुट लेवल आप उसी हिसाब से आप दे सकते हो। जैसे कि अभी 0 dB में आउटपुट दे रहा है, थोड़ा सा आप कम कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मीटर आप मीटर देखते हुए इस कीजिए इसको। तो -4.1 रहेगा तो ठीक है। अब देख रहे हैं इसका वैल्यू अभी -4.1 में आउटपुट रखा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद आपको आना पड़ेगा ये जो प्लगइन्स जो है, इस प्लगइन्स को आप लाइए। इस प्लगइन्स को जब आप इस्तेमाल करेंगे, ये प्लगइन्स क्या है एक्चुअली, अब देखिए इस प्लगइन्स का जहाँ से हमने लिया है ये डायनेमिक से लेते हैं हम, और ये है शेप्स ओमनी चैनल प्लगइन्स। शेप्स ओमनी चैनल प्लगइन्स अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे जैसे कि आपका स्ट्रिप आपको दिखाई देंगे, जैसे प्री, उसके बाद डीएस मतलब डीएसर के लिए, इक्यूज के लिए, कंप्रेसर एंड गेट के लिए। गेट के लिए आपने एक्सपेंशन को सिलेक्ट किया है, उसके बाद कंप्रेसर है। अभी देखिए कंप्रेसर में कितना आपको कंप्रेस करना है वो आप सेट कर लीजिए एक बार। ये जो मीटर है, इस मीटर को आप आउट में हमेशा रखिएगा, क्योंकि इसका इनपुट दिखाता है और इस यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आउटपुट में आपको देखना है बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ, तो इसको थोड़ा सा आप कम करके देखिए आपका कैसा लगता है।
দেখেছি তোকে প্রথমে। ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखिए। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে দেখেছি তোকে। তো থ্রেশোল্ড আপকো প্রথমে, जैसे कि इसका -12.33 है। সেদিনই বুঝেছি হৃদয়টা, थोड़ा सा हम इसको बढ़ाते हैं। তোরই হাতটা ছুঁয়ে গেল সব কষ্ট ধুয়ে, হারিয়ে গেল সব বুকের জ্বালা। তোরই হাতটা ছুঁয়ে, इसका जो रेशियो है 2:3 ऐसा कुछ है, आप 2.5:1 करें या 3:1 करें तो ठीक रहेगा। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে, অ্যাটাক রেট থোড়া সা ফাস্ট করতে হ্যায়। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে, আবি থ্রেশোল্ড আপকো দিখা রাহা হ্যায় কি জ্যাদা কম্প্রেসিং হো রাহা হ্যায় ওয়ো, ইতনা ভি নাহি হ্যায়, ইতনা ভি নাহি হোনা চাহিয়ে, তো জ্যাদা কম্প্রেসিং হো জায়েগা না তো লাগেগা কি গলা দবা হুয়া লাগতা হ্যায় সুননে কো। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে দেখেছি তোকে প্রথমে, अच्छा সেদিনই বুঝেছি। इसके बाद अगर आपको कंपोजिशन ठीक ठाक लगता है तो आप यहाँ पे आ जाइए, जैसे कि EQs में, EQs में आपको हाइस चाहिए, कौन सा फ्रीक्वेंसी में हाइस अगर चाहिए तो हाइस को आप बूस्ट कर सकते हो। मैंने 4K के आसपास इसको रखा हूँ क्यू को, और इसको थोड़ा सा बूस्ट करता हूँ। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে দেখেছি তোকে প্রথমে, তো ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আপকো ও যে শোনাই দে রে হাইস। আবি মিড ফ্রিকোয়েন্সি জো হ্যায় ইয়া আপকো মিড কিউ কো থোড়া সা দেখিয়ে, 4 সে লেকে লগভগ 3251 এসা কিছু রাখে, আর ইসকা গেইন কো দেখতে হ্যায়। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে দেখেছি তোকে প্রথমে, থোড়া ক্লিয়ার হো রাহা হ্যায় সাউন্ড। আব ইসকা টোন আপ চেঞ্জ কর সকতে হো। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে দেখেছি তোকে প্রথমে, আচ্ছা সাউন্ড দে রাহা হ্যায়। আব ইসমে আগার লোজ আপকো চাহিয়ে তো পহলে লোজ কি কো ঠিক কিজিয়ে, জেসা আপ ইহাঁ পে থা 179 ইয়া 284 ऐसा रहेगा, और लो को देखिए अभी। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে দেখেছি, इसमें से हम बूस्ट कर रहे हैं लो गेन को थोड़ा सा 1 dB तक। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে দেখেছি তোকে, अभी DSR का जो गेट है, इसका DSR का जो थ্রেশোল্ড पॉइंट है थोड़ा सा कम करते हैं। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে দেখেছি তোকে প্রথমে, সেদিনই বুঝেছি হৃদয়টা কিভাবে থামে, তোরই হাতটা ছুঁয়ে। আবি দেখিয়ে ইসকা যো প্রি হ্যায় মতলব প্রি অ্যাম্পলিফায়ার যো হ্যায় ইসকা যো গেইন আপনে ইহাঁ পর রাখা হ্যায় 15 dB, ইসকো থোড়া সা কম করতে হ্যায় -10 কে তরফ, -10.6 ভি রহেগা চলেগা, লেকিন সুননে কে বাদ হি আপকো তয় করনা হ্যায় কি ইসকো রাখে ইয়া না রাখে। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে দেখেছি তোকে প্রথমে, আব দেখিয়ে ইহাঁ পে যে ইনপুট আর আউটপুট যে হো রাহা হ্যায় তো ইনপুট আর আউটপুট মে থোড়া সা ফরক হ্যায় ক্যুঁকি ইহাঁ পে দেখিয়ে বহুত জ্যাদা যা রাহা হ্যায় তো সাউন্ড ডিস্টর্ব হো সকতা হ্যায় তো ইসকো থোড়া সা আউট কো থোড়া কম কিজিয়ে। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে দেখেছি তোকে প্রথমে, ইনপুট লগভগ ঠিক হ্যায়, সেদিনই বুঝেছি হৃদয়টা কিভাবে। ইস লেভেল কো দেখতে হুয়ে আপ ঠিক কিজিয়েগা ক্যুঁকি ইহাঁ পে রেড ল্যাম্প অলরেডি জ্বল গয়া একবার, তো এসা নাহি হোনা চাহিয়ে। গেল সব কষ্ট ধুয়ে, হারিয়ে গেল সব বুকের জ্বালা। বহুত ধ্যান দিজিয়েগা জব আপ ইসকো করেঙ্গে না, বহুত ধ্যান দিজিয়েগা কি লেভেল কভি উপর না চড় যায়। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে, আমি দেখি দোনো মে জো আমি ইসকো বাইপাস কর রাহা হুঁ তো টোন কিতনা ফড়াক পড়া দেখিয়ে। সেদিনই বুঝেছি বাইপাস কিয়া হৃদয়টা কিভাবে থামে, আমি ইসকো অন করতে হ্যায় এক অন করতে হ্যায় তোরই হাতটা ছুঁয়ে
साउंड क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे पास वोकल तो मेन चीज़ है। वोकल को हम लोग ठीक ठाक से टोन नहीं कर पाएंगे तो क्लाइंट पसंद नहीं करेगा। तो वोकल को पहले ठीक ठाक कीजिए, कैसे भी वोकल हो, सरा हुआ वोकल हो या कुछ भी वोकल हो, लेकिन वो लोग उम्मीद करता है कि हमारा वोकल जैसे हम रिकॉर्ड में डालेंगे वो सुनने को इतना अच्छा लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये लोग सोचता है ऐसा कुछ, लेकिन आवाज़ जैसे भी हो, जिनका आवाज़ बहुत अच्छा है उसका तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन जिनका आवाज़ ख़राब है, सारा हुआ आवाज़ है, उनका भी शौक होता है कि भाई गाना गाने का। तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा कि उसका टोन कितना दूर तक, कितना हद तक आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम ये जो इक्यू सेक्शन कंप्लीट कर दिया, अभी हम आएंगे रेजोनेंस कंप्रेसर पर। ये बाईपास हो रखा है पहले से, इसको ऑन करते हैं और देखिए। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें तो है ही, हमने इसका रेशियो जो है थोड़ा सा कम करेंगे, 1.39 रेशियो रहेगा। इसका थ्रेशोल्ड जो है थोड़ा सा कम करते हैं, माइनस 5.5 किया है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है और टोन भी अच्छा दे रहा है। तो देखिए, अब जब प्लगइन तीनों प्लगइन लगाने के बाद जो इफेक्ट हमको मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है सुनिए। बृष्टि भेजा भी के ले देखे थी तो के प्रथमे शे दिनी बुझे थी। अब इसको बाईपास करते हैं और उसके बाद सुनिए। बृष्टि भेजा भी के ले देखे थी तो के प्रथमे शे दिनी बुझे थी হৃদয়টা কিভাবে থামে তোর ওই হাতটা ছু। তো সাউন্ড, এই যে ভোকাল মে জো ডাল সাউন্ড থা, ইয়ে সাউন্ড বহুত ক্লিয়ার হো গয়া, সুনিয়ে। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে, আবি ইসমে আপকো রিভার্ব আর ডিলে ডালনা হ্যায়। আর রিভার্ব ডিলে ডালনে কে বাদ जो बैलेंस आप करेंगे उसी बैलेंस को हम बैलेंस तो उसी बैलेंस को हम सेट करेंगे मास्टर लेवल के साथ। तो देखिए, यहाँ पे कोई ऑक्स ट्रैक तो हमने लिया नहीं, अभी ऑक्स ट्रैक लेना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और कमांड डालते हैं दो ऑक्स ट्रैक के लिए, दो काउंट ऑक्स दीजिए और उसको मोनो की जगह में आपको स्टीरियो लेना पड़ेगा और ऑडियो जगह में ऑक्स इनपुट कन्फर्म कर दीजिए उसको। तो इसमें आपको रह जाएगा रिवर्ब, लिख दीजिए REV रिवर्ब, और दूसरा ट्रैक जो है उसमें आपको डिले लिखना पड़ेगा TLY। तो डिले आप शॉर्ट में लिख दीजिए ताकि आपको नज़र में आए, और जैसे ही आप ऑक्स ट्रैक लेंगे इसको कंट्रोल और एस दबा के डिफीट कर दीजिए। अभी यहाँ पे इनपुट दीजिए जैसे कि पास नंबर 1 2, ये रहेगा आपका रिवर्ब के लिए, और इसमें देखिए पास नंबर 3 4, ये रह जाएगा आपका डिले के लिए। अभी इसका जो मेन जो स्ट्रीम जो है इसका इंसर्ट पे हम कोई रिवर्ब देंगे, कौन सा रिवर्ब देंगे ये हमारा चॉइस की बात है। जैसे रिवर्ब हम दे सकते हैं इसमें, तो जैसे कि AR रिवर्ब आप देंगे तो ठीक ठाक रहेगा, ये ProTools का खुद का प्लगइन है, आप सबके पास ही होगा। इसमें कोई प्रीसेट आपको नहीं मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन इसमें आपको सेट करना पड़ेगा कि आपको किस तरह सा, मतलब आपको किस तरह का रिवर्ब चाहिए, उसका रिवर्ब टाइम क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1.9 है, मैं उसको लगभग 7 सेकेंड्स तक करता हूँ, 7.3 सेकेंड्स करता हूँ, और प्री डिले को मान लीजिए 1 या 2 मिली सेकेंड्स प्री डिले मैं रखता हूँ। तो इसमें क्या होगा, आपको मिक्स लेवल सब कुछ यहाँ पे बराबर ही लग रहा है। टाइप अगर आपको देना है तो इसको आप हॉल मीडियम या लार्ज, मीडियम कैरेक्टर, मीडियम चैम्बर या मीडियम लार्ज चैम्बर आप दे सकते हो। तो लार्ज चैम्बर हम चूज़ करते हैं, लार्ज चैम्बर टाइप का टाइप। तो ये सब आप करने के बाद इसको आप सेव कर सकते हो। कैसे, देखिए प्रीसेट में हम यहाँ पर जाके जब आपको अच्छा लगेगा, तो ये जब जाने के बाद आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको सेव भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हमको देखना पड़ेगा ये वोकल ट्रैक में जब हम रिवर्ब देते हैं तो बास वहाँ पर हमने चुना था 1 2 फॉर रिवर्ब, तो यहाँ पर 1 2 दे देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अभी सुनते हैं रिवर्ब का स्टाइल कैसे लगता है इसमें। बृष्टि भेजा
বিকেলে দেখেছি তোকে প্রথমে। थोड़ा सा और भी उठा लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। -13 रहेगा, स्क्वायर फीट लेवल -13 रहेगा तो ठीक है। देखते सुन के देखते हैं। बृष्टि भेजा बिकेले देखेछी तोके प्रथमे, सेदिनी बुझेछी। तो देखिए, इसमें अगर आपको अच्छा लगता है, ये रिवर्ब वगैरह आपको अच्छा लगता है, तो इसको आप सेव कर सकते हो। कहाँ पे सेव करोगे? मतलब रिवर्ब को एज ए प्रीसेट, आपका पसंदीदा कोई प्रीसेट हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके सेव सेटिंग्स, यहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट एस दबाने से आपका वो सेव होता है। आप इसको आपका ऑप्शन जैसा या पे कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैं देता हूँ माई रिवर्ब RUV। तो ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो जाएगा। जब भी आप इसको चाहिए आपको, जैसे देखिए इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। कौन सा रिवर्ब लिया था मैंने? यहाँ पे देखिए AR रिवर्ब स्टूडियो लिया था। तो इसको मैंने अभी यहाँ से निकाल देता हूँ। अगर आपके पास पहले से ये सेव किया हुआ है, तो आप जब भी चाहे इसको आप, मतलब आपका जो सेटिंग्स था उसी सेटिंग्स में आप इसको रिकॉल कर सकते हो एज़ पर योर चॉइस। तो देखिए अभी इसमें हम रिवर्ब जाएंगे। अभी AR रिवर्ब लिए थे, तो AR रिवर्ब लेते हैं। देखिए इसमें कोई आपको दिखाई नहीं देगा, वो सेटिंग्स थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन आप इसको रिकॉल कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा माय में, देखिए माय रिवर्ब। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा पहला बार सेव किया हुआ जो सेटिंग्स था उस सेटिंग्स में सेव हो जाएगा। तो सुन के देखिए रिवर्ब कैसे लगता है। अभी ठीक ठाक था। तो ये गया रिवर्ब का फंडा। उसके बाद हम लेंगे डीले। तो यहाँ पे भी हम एक डीले लेंगे या डायनेमिक डीले, इसको लेते हैं। इसमें भी देखिए आपको कोई प्रीसेट ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको जब सेट करोगे आपका पसंद के हिसाब से, तो तभी आप इसको सेव कर सकते हो आपका खुद का नाम पे या आपका खुद का कोई भी एक प्रीसेट नाम दे के। पहले मैं इसको बनाता हूँ, उसके बाद मैं सेव करूँगा। तो अभी तो रिवर्ब तो यहाँ पे ले लिया, लेकिन ये रिवर्ब का जो बास था, ये बास को यहाँ पे नहीं लिया। तो मैंने इस बास को लेता हूँ, बास नंबर 1, 2, 3 रिवर्ब के लिए, 3, 4 रहेगा डिले के लिए। तो देखिए जैसे मैंने 3, 4 यहाँ पे बास लिया, ऑटोमेटिकली उसका फेडर यहाँ पे आ गया। आप डिले को चेक करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये जो बास नंबर 1, 2 मतलब रिवर्ब जो था, रिवर्ब का बास को बाईपास करना पड़ेगा, नहीं तो डिले का पर्टिकुलर इफेक्ट हमको नज़र नहीं आएगा, सुनाई नहीं देगा ठीक से। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে দেখেছি তোকে প্রথমে সেদিনই। তো মেরে কো ইয়ে ডিলে আচ্ছা নি লাগ রা হ্যায়, তো ক্যা করু মাই ইসকো থোড়া সা ডিলে লেভেল অর বড়াতা হু, আসকা ফিডব্যাক ভি সুনতা হু। থোড়া সা জাদা হি হো গয়া, অর থোড়া সা কম করে 250 के, नहीं 250 के आसपास, 250 मिलीसेकंड के आसपास कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो इसको हम पूरा सेलेक्ट कीजिए, 250 ऐसा डाल दीजिए, 333 हो गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको डिलीट करें 250, तो आपका 250 मिलीसेकंड यहाँ पे वैल्यू आ गया ऑलरेडी। इसको सुन के देखिए एक बार, बृष्टि भेजा बिकेले। तो इसको थोड़ा सा फीडबैक आप और भी बढ़ा सकते हो, 50-70% कर सकते हो उसमें, 60 है अभी, 70% क्या, 70%। तो इसमें आपको सुन के देखना पड़ेगा। आज का मिक्स लेवल थोड़ा सा कम करें तो अच्छा है। बृष्टि भेजा बिकेले, तो जैसे कि इसमें आपका एक इक्यू सेक्शन भी दिया हुआ है कि आप ये जो डिले जो है, डिले आपको इक्यू सेक्शन में 20 हर्ट्ज के जो साउंड है वो उसका साउंड तक, मतलब 20 हर्ट्ज का नीचे के वाला कोई साउंड वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अभी लो कट करता हूँ मैं, कहाँ पर मैं जाता हूँ कि हम चाहते हैं कि
हम चाहते हैं कि 258 ऐसा कुछ इस मतलब ये जो हर्ट्ज सिग्नल है इसका नीचे वाला साउंड को डिले नहीं देगा वो 156 किलोहर्ट्ज किया और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी जो है उसको ही आपको डिले इफेक्ट मिलेगा, बाकी का डिले इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको इक्यू भी सेट कर सकते हैं डिले का कि कौन सा फ्रीक्वेंसी में वो डिले इफेक्ट करेगा। अभी यहाँ पे आपको सब कुछ कर लिया। यहाँ पे देखिए तीन तो मोड है, जैसे कि आपका मोनो मोड एंड स्टीरियो मोड एंड क्रॉस मोड। तो हमने हमेशा स्टीरियो में रखेंगे क्योंकि हमारा डिले जो चाहिए वो तो इफेक्ट स्टीरियो ही देगा। अगर आपको मोनो चाहिए तो मोनो भी आप इसको मोनो कर सकते हो, नहीं तो क्रॉस भी कर सकते हो, लेकिन स्टीरियो में रखना अच्छा है। तो इसके बाद फिर वही काम, अगर आपको दोबारा ऐसा नहीं करना पड़े, आपका अगर इसको इस डिले को अगर पसंद आए तो इसको आप सेव कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे प्रीसेट में क्लिक करना, सेव सेटिंग्स जैसा मतलब कंट्रोल शिफ्ट एंड एस, इसके बाद माई डिले यहाँ पर लिख दीजिए। माई डिले DLY कर दिया मैंने शॉर्टकट में, तो आपको नज़र आएगा। तो जैसे कि माई डिले आ जाएगा ऑटोमेटिक प्रीसेट यहाँ पे आपको मिलेगा माई डिले, ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसको रिकॉल भी कर सकते हो। अभी क्या है, अभी रिवर्ब और डिले दोनों को मैं चालू करता हूँ और सुन के देखिए। बृष्टि भेजा बिकेले देखे छी तोके प्रथमे। आपको अगर लगता है कि डिले ज़्यादा है थोड़ा सा लेवल कम कर दीजिए, ठीक है। बृष्टि भेजा बिकेले देखे छी, रिवर्ब ज़्यादा लग रहा है तो रिवर्ब थोड़ा सा कम कर दीजिए। बृष्टि भेजा बिकेले देखे, लेकिन याद रखिए जब ये मिक्स होकर निकलेगा, मास्टर होकर निकलेगा, लेकिन तब आपको इतना रिवर्ब और डिले सुनाई नहीं देगा क्योंकि ये तब मास्क हो जाता है। तो इसलिए जो आपको जैसा टोन आपको चाहिए, जैसा रिवर्ब आपको चाहिए, उसको सोचते हुए आपको ये रिवर्ब और डिले यहाँ पर देना पड़ेगा। इसको पूरा ज़ीरो कर देंगे, इसको पूरा ज़ीरो कर दिया हमने, और यहाँ पे जो आपका मास्टर लेवल जो है, मास्टर फेडर, इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे पीक लेवल। अब इसका पीक लेवल देखते हैं। तो हमने क्या बोला था, रिकॉर्डिंग जब मिक्स करेंगे, हम मिक्स करते वक्त हमारा यहाँ पे मिक्स लेवल -10 to -15 dB के अंदर होना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको शुरू से ही मतलब वोकल जब प्ले होगा शुरू से इसको -15 या -10 dB के अंदर रखेंगे, क्योंकि जब सब ट्रैक एक साथ बजेगा सबका जो पावर है वो पावर भी आपको यहाँ पे बूस्ट होगा और मतलब आपका वॉल्यूम का जो SPL है वो बढ़ा देगा। इसीलिए मैं उसको -20 के आसपास रखूँगा, या 20 या 22 के आसपास रखूँगा तो ठीक है। चलिए देखते हैं। एक हद तक इसको बढ़ाने के बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे, देखिए -20.6 ऐसा कुछ है। इसको और भी हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि -14 dB यहाँ पे -9.9 dB किया, तो आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसको। यहाँ पे देखिए -18.7 है, तो यहाँ तक रखिए आप फिलहाल। तो जैसे आपको ये रिवर्ब और डिले देने के बाद, इक्यूज देने के बाद वोकल को आपने इस लेवल तक रखा, फिर इसको आप छोइए मत, इसको छेड़िए मत। अभी इसके साथ साथ क्या देखना है, हमको रिदिम देखना है। रिदिम कहाँ पे है, शायद यहाँ पे है ये रिदिम। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम लेवल करेंगे, लेकिन लेवल तो ऐसा नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको म्यूट करना पड़ेगा। अब इसका टोन करना पड़ेगा, सेम चीज़ हमको करना पड़ेगा। जैसे कि इसका हम टोन कर रहे हैं, तो टोन करने के लिए हमको एक लाउड साउंड चाहिए। तो इसको पहले उठा के रखिए, इसको उठा के रखिए जहाँ तक आपको पसंद है, और इसको आप इक्यू कीजिए। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, इक्यूज बोलो तो मतलब आप API ले सकते हो। यहाँ पे है, सुन के देखिए। यहाँ पे आपको बहुत प्रीसेट भी मिलेगा, जैसे मैं बास, पियानो, गिटार, ड्रम्स, आपको चाहे तो इसका भी आप ले सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको फिर हाथों से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये एक प्रीसेट है Drum Kit 1, चलिए Drum Kit 1 में देखते हैं। इसको बाईपास करके सुनते हैं, ऐसा कुछ था।
तो आपको इसमें अगर 16 के और 8 के कोई वैल्यू जो है इसको तो वैल्यू को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं ताकि हमको ठीक ठाक फ्रीक्वेंसी मिले, उसका फ्रीक्वेंसी का जो पंच हमको ठीक ठाक मिले। देखिए जो मिड फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ था, मैं उसको ऐसा 2.2 या 2.1 कर देता हूँ। देखिए अब इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट को देखिए बहुत ज़्यादा कम करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटपुट देंगे इसका तो वो डिस्टॉर्ट साउंड निकलेगा यहाँ से और ये आपका लाल बत्ती यहाँ पर जल जाएगा। तो इसको वापस करके सुनते हैं एक बार। डिटेल्स आपको मिल रहा है इसमें, आवाज़ कम हो कोई बात नहीं है लेकिन डिटेल्स मिलना चाहिए। इसके बाद मान लीजिए ये आपको ठीक ठाक लगा, अभी इसके बाद एक कंप्रेसर आप लगा दीजिए। कंप्रेसर डायनेमिक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका शेप्स का पैरेलल जो इक्वस एंड डायनेमिक्स जो है ये आप ले सकते हो। इसमें देखिए क्या असर आएगा, इसको पहले एपीआई को ऑन करते हैं और इसको भी ऑन करते हैं। इसका भी बहुत प्रीसेट आपको मिलेगा, जैसा वोकल्स के लिए, ओवरहेड के लिए, स्नेयर के लिए, किक्स के लिए। लेकिन आप कुछ जो भी आप लो, जैसे किक्स के लिए हम लोग इसको यूज़ किया तो क्या इफ़ेक्ट देता है देखिए। इसमें चार नॉब्स होते हैं यहाँ पे और उसी नॉब्स को आप मतलब एडजस्ट करते वक्त आपको टोन थोड़ा सा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एयर देने के लिए थोड़ा सा एयर साउंड आपको मिल सकता है। देखिए हाइट्स का जो साउंड मैंने यहाँ पे मतलब अप्लाई कर रहा हूँ थोड़ा सा क्लियर सुनाई दे रहा है कि नहीं। और इसका जो साफ साउंड है, साफ साउंड्स को थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये साफ साउंड जो है यहाँ से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ 50 हर्ट्ज़ के आसपास चाहिए तो ठीक ठाक रहेगा। हाँ अभी देखिए इसका जो साउंड हमको मिल रहा है दोनों प्लगइन्स मिला के, यहाँ पे देखिए एपीआई और यहाँ पे जो हमने दूसरा जो प्लगइन्स हमने लिया है, इसको हम बाईपास कर देंगे तो साउंड कैसा होगा, ऐसा कि साउंड मिल रहा है। लेकिन इससे थोड़ा सा क्लियर साउंड हमको जो मिलता है इसमें मिलता है। देखिए इसमें स्नेयर का जो क्रिस्पीनेस हमको बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो इस तरह से आप इसको सेट करेंगे। तो मेरे ख्याल से शायद इसमें और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग जिस प्रोजेक्ट में अभी है वो बहुत फास्ट आपको मिक्सिंग करना है, तो इसीलिए आपको फटाफट देके टोन को निकालना है। अभी इसको फिर ज़ीरो कर दीजिए, अभी वोकल को ऑन कर दीजिए, वोकल के साथ इसको नापिए। देखिए यहाँ पे -14.6 ऑलरेडी आ गए हैं। आपको अगर लगता है कि इसको थोड़ा सा और 1 dB बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हिसाब से मतलब बाहर मत जाइएगा। इसे -16 ऐसा कुछ कर देते हैं उसको। तो सुनते हैं ठीक है। तो बास मतलब आपका जो वोकल है इसके साथ ड्रम्स का टोटल बैलेंस आपने कर लिया, तो इसको रिदम को आप खींच के इधर लेके आइए। जो आपके पास मतलब हो जाएगा उसको एक तरफ लाइए। अभी रिदम और में रिदम में और कुछ है
कुछ नहीं है शायद, अब इसके साथ बास गिटर देखेंगे, तो बास गिटर भी एक मतलब मायने रखता है, तो फिर इसको सुनते हैं। तो इसको म्यूट करते हैं, पास को टोन करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक इक्यू लगा दीजिए, सिंपल सा एक इक्यू से मेरे ख्याल से डायनेमिक्स अगर देंगे ना काम चल जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट जाइए वहाँ पे विटामिन बोल के एक आपको चीज़ मिलेगा, इसमें प्रीसेट है लेकिन है बास के लिए प्रीसेट है, यहाँ पे ब्रांड न्यू बास या फैट बास कोई भी आप ले सकते हो। लेने के बाद देखिए इसका टोन अलग आपको देगा वो इस फ्रीक्वेंसी में, तो अगर आपको ये टोन अच्छा लगता है इसके साथ साथ नीचे और एक भी एक प्लगइन्स आप ले लीजिए जैसे डायनेमिक्स के लिए। यहाँ पे आपको ऊपर जो था यहाँ पे आप ले सकते हो, यहाँ पे CLA 76 ले लिया, तो आपको देखिए यहाँ पे आपका जो यहाँ पे कंप्रेसर है ये एक्चुअली, तो पहले हमने इक्यू यहाँ पे इक्यूज दे दिया और उसके नीचे एक कंप्रेसर लगा दिया जो हम यहाँ पे देखेंगे ब्लैक की सिंपल। यहाँ पे आपका बास गिटर कुछ है, बास गिटर बास के लिए हमने कंप्रेसर सेट किया, लेकिन अभी ये जो प्रीसेट मेरे को मिला दैट इज़ नॉट द फाइनल, तो मेरे को टोन करना पड़ता है और इसीलिए मैं इसको चलाते हुए मैं इसको चेक करूँगा। तो इसको फास्ट करते हुए हमको ये सिर्फ देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना आउटपुट देता है और कंप्रेसिंग कितना हो रहा है, इसका रेशियो यहाँ पे सेट किया हुआ है जैसे 4 और 8, देख रहे हैं आप, तो मेरे ख्याल से 4 में ठीक रहेगा। इसका आउटलाइन देखते हैं, ये आपका मीटर, को थोड़ा सा एडजस्ट किया और इसका आउटपुट थोड़ा सा हम दे सकते हैं, ठीक ठाक लग रहा है। अब ये दोनों को एक साथ बाईपास करते हैं, साउंड किया तो इसमें हमको क्लियर टोन मिलता है, बास गिटर का स्ट्रिंग्स का जो डॉजिंग साउंड होता है वही मिलता है हमको। तो अभी इसका बैलेंस करेंगे हम, तो इन दोनों को ऑन कर देंगे, बैलेंस करते हैं। ये लेकिन बास के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उतना नहीं, अभी वोकल को छोड़ दीजिए। पीक लेवल देखिए -13.4 हो गया, तो इसका जो सोलो करता हूँ इसका पिक लेवल भी एक बार आप नाप लीजिए, -26 के आसपास दे रहा था वो, ठीक है। अभी वोकल का पिक लेवल, ड्राम्स का पिक लेवल कितना दे रहा है देखिए, एक बार ज़्यादा दे रहा है। तो ड्राम्स को थोड़ा सा कम करते हैं, इसके साथ साथ बास भी थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा जा रहा है। तो
तो हमने क्या किया, ड्राम्स को किया, वोकल को किया, और उसके बाद आपका बास गिटार ये भी हो गया, तीनों हो गया, बाकी रह गया गिटार सेक्शन। अब देखते हैं गिटार में क्या है, सुनते हैं पहले सोलो करके। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, जो बोइंग सेक्शन है मतलब पैडिंग पैडिंग वगैरह कुछ तो होगा, तो हम देखते हैं क्या है उसमें। एक्चुअली गिटार जो हमें बज रहा है ये था आपका आरपीजियो टाइप स्टाइल, तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक प्लगइन्स इक्यू देना पड़ेगा जो आपका 7 बैंड इक्यू, ये ProTools का ही खुद का इक्यू है, और इसको सुनते रहिए। इसमें आपको कुछ प्रीसेट मिल जाएगा, एकोस्टिक गिटार का प्रीसेट, आप 7 अप क्लियर अप सब माडी साउंड। इसमें आपको थोड़ा सा अगर इसको हाई इसको बूस्ट करेंगे, और ये जो लो फ्रीक्वेंसी है लो फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा, मैं बस कर रहा हूँ। अभी ये जो साउंड आपको दे रहा है इसको वोकल के साथ एडजस्ट कीजिए, हमारा मास्टर लेवल -5 15.8 आ गया ऑलरेडी। अभी इसके साथ साथ क्या क्या देना है, इसके साथ और क्या था फाइनल वोकल तो नहीं था, ये तो है ऑडियो 1। अभी हम देखते हैं मिक्स विंडो, इसमें जो थोड़ा अब जा रहा है ना उसको देखना है, इसमें थोड़ा जा रहा है ये वाला मतलब ऑब्लिगेटो, ऑब्लिगेटो कुछ किया है तो ऑब्लिगेटो हम सेट करते हैं। चलिए ऑब्लिगेटो था ये, सुनते हैं। अच्छा सिंपल सा चीज़ है इस, ये तो एक्चुअली आप याद रखिएगा जो चीज़ सिंथेसाइजर से या VST से निकलता है उसको ज़्यादा टोनिंग करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि पहले से ही टोन करके ही मतलब उसका टोन जो अच्छा टोन जो है वही अच्छा टोन आपको मिलता है रिकॉर्डिंग में, तो उसको दोबारा अगर आप यूज़ करेंगे या ज़्यादा कुछ करेंगे तो मुश्किल है, उसका टोन ही चेंज हो जाएगा। तो आप API ऐसा कुछ लीजिए, API का 550B लिया इक्लेजर, इसमें सिर्फ उसको सोलो कीजिए और आपको देखते रहिए क्या होता है। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा हाई दे दीजिए, इसका हाई फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा चाहिए हमको, मीट को थोड़ा सा देंगे चलेगा, लो उसको हमको उतना नहीं चाहिए, -4 dB तक लोस करें। इसका जो क्यू है थोड़ा सा क्यू को देखते हैं 150 हर्ट्ज़ के आसपास। अब देखिए यहाँ पे जो बोइंग सेक्शन जा रहा है, ये बोइंग सेक्शन में हम क्या करेंगे, सिर्फ एक रिवर्ब डालेंगे और कुछ नहीं। रिवर्ब था हमारा चैनल 1-2 पे, ठीक है। तो अभी इसके साथ हम इसको बैलेंस करेंगे सेम चीज वोकल के साथ। चलिए तो इसके बाद मान लीजिए कि ये ठीक ठाक बैलेंस लग रहा है उसके साथ साथ, तो अभी इसके बाद जो वार्म पैड है इसको मतलब जो पैडिंग टोन जाता है हमेशा वो हम देखते हैं, उसको सोलो कर दीजिए। इसमें भी आपको सेम चीज़ देना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे दिया था ऑब्लिगेटो में, तो इसको आप ऑल्ट दबा के कॉपी कर दीजिए, ऑल्ट दबा के ड्रैग कीजिए इसको और ले डायरेक्ट लेके आइए
स्क्रबर, ठीक है, और एक बार क्लिक करके इसका जो लो है पूरा लो को खा जाइए, लो नहीं चाहिए। तो ये आपको ज़्यादा ठीक ठाक एम्बियंस देगा मेरे को लगता है। सुन के देखिए अभी जो वोकल बज रहा है इसके साथ साथ इसको सुनते हुए पैडिंग दीजिए। पैडिंग आपको इतना ही देना चाहिए जितना गाने में सुनने को सुंदर लगे, ब्यूटीफुल लगे। ज़्यादा मतलब वो लेवल रहेगा तो अजीब से लगेगा सुनने में। चलिए इसको सुनिए, पीछे से है बैकिंग दे रहा है। अच्छा अभी इसमें ने आपको जो बैकिंग दे रहा है जो रिवर्ब या इसमें जो पैडिंग जो बैकिंग दे रहा है इसमें आपको एक चीज़ लगाना था कि इसमें सिर्फ रिवर्ब डाल दीजिए और कुछ नहीं। डालने के बाद इसको लेवल एक बार चेक कर लीजिए। थोड़ा सा मीटर्स चाहिए इसमें। तो अब इसको सुनिए। तो आपका पैडिंग सेक्शन हो गया। ये ऐसा चीज है जब आप इसको इस्तेमाल करोगे गाने को सुन मतलब सुनने को बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन जब इसको म्यूट कर दोगे लगेगा कि पीछे कुछ नहीं है या कुछ खाली खाली लगेगा। तो इसी लेवल में आपको एडजस्ट करना है, इसको बहुत ध्यान से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो गाना ख़राब कर देगा, अगर कम भी होगा तो भी गाना ख़राब होगा सुनने को। तो इसकी क्वालिटी को देखते हुए इसको सही मतलब ठीक ठाक लेवल पर आपको बैलेंस करना है वाम पैड को। तो यहाँ पे ये जैसे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ट्रैक को हमने बैलेंस कर लिया। इसके बाद क्या है हम देखते हैं मिक्स करने में जाके। अच्छा यहाँ पे सब कुछ बोइंग जो था कर लिया हमने यहाँ पे। अभी सब टुकड़ा टुकड़ा म्यूजिक है, ठीक है ना। तो ये टुकड़ा टुकड़ा जो म्यूजिक है इसको हम एक बार देख लेंगे इस ट्रैक में क्या था, इस ट्रैक में क्या था, इसमें आपका फ्लूट है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं मिक्स विंडो में जाके। फ्लूट देखिए यहाँ पे है, इसका सुन लेते हैं एक बार। अच्छा तो हम इसको अब सोलो कर दिया। सोलो करने के बाद इसको थोड़ा सा इक्यू देना है क्योंकि अभी आपका उसमें से निकला है, कीबोर्ड से निकला है। यहाँ पे देखिए एक बार शेप 73 देंगे तो वो आपका थोड़ा सा हार्मोनिक साउंड देगा। एक बार देख लेते हैं इसका एनालॉग साउंड थोड़ा सा चाहिए हमको। तो इसमें आप जैसे कि पियानो जैसा कुछ अगर है यहाँ पे तो ले सकते हो, नहीं तो वोकल में चल जाएगा, वोकल में चल जाएगा। ठीक है तो सुन लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हाई कम लग रहा है, इसको थोड़ा सा हाई देना चाहिए। मेरी फ्रीक्वेंसी मिड क्यू तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अगर देंगे इसका लो खा जाता हूँ, लो इतना नहीं चाहिए। हाई पास फिल्टर थोड़ा बहुत तो है, अभी लो फ्रीक्वेंसी जो है 5 dB रहेगा, मतलब 5% देता हूँ मैं। और इसका जो हाई पास फिल्टर है पूरा खा गया हूँ। अभी इसका जो फेस है एक बार चेक करता हूँ, अच्छा बाय डिफॉल्ट क्या था बाईपास देता हूँ, सुनता हूँ। मतलब फ्लूट में ये जो बजता है मतलब कीबोर्ड से जब फ्लूट बजता है तो उसमें थोड़ा सा हास्की टोन रहता है, तो उसी टोन को ध्यान में रखते हुए इसको बैलेंस किया है। अब इसका जो आउटपुट देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा देखिए आउटपुट दे रहा है, इसका इतना आउटपुट हमको नहीं चाहिए।
थोड़ा सा इसको कम करते हैं। देखिए तो मेरे ख्याल से था ये ठीक ठाक चलेगा। अब इसके साथ जैसा फ्लूट जा रहा है तो इसके साथ हम क्या देंगे, सिर्फ एक रिवर्ब और एक डिले दे देंगे, रिवर्ब और डिले। जैसे कि 1-2 में रिवर्ब था और 3-4 में डिले था। अब यहाँ पे जैसे कि डिले का बोर्ड आ गया है, तो चलिए डिले को बैलेंस करते हैं। तो सुनते हुए बैलेंस करेंगे। इसके साथ रिवर्ब, जब रिवर्ब डिले एडजस्ट हो जाएगा उसके साथ साथ, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, अभी इसको जीरो में डालेंगे और जो बाकी जो ट्रैक बैलेंस किया हुआ है इसके साथ इसको एडजस्ट करेंगे। ये लूप में है इसलिए लूप प्लेबैक हो रहा है। अब देखिए ये लूप में है, लूप प्लेबैक हो रहा है। अच्छा इसके साथ ये तो बैलेंस हो गया, इसके साथ क्या था ऐसा कुछ। अच्छा इसके बाद क्या बज रहा है, ये बज रहा है ना टेल पियानो, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको भी बैलेंस करेंगे। चलिए जाते हैं बैलेंस करते हैं इसको। तो ये हो गया फ्लूट, इसको इधर डालिए टेल पियानो, इसको देखते हैं सोलो करके। इसमें तो पहले से ही रिवर्ब डिले दिया हुआ है, इसमें तो मतलब टोनी ऐसा कुछ था जब रिकॉर्ड हुआ, तो इसमें सिर्फ और कुछ नहीं एक इक्यू डाल दीजिए थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए। तो इसमें आपका ये वाला API 550 भी ठीक रहेगा, थोड़ा सा हाइज दे दीजिए इसको, थोड़ा सा कम करके आउटपुट इसका जो 2.5 के नहीं, ट्वेंटी के के पास। अभी देखते हैं इसका मिड फ्रीक्वेंसी ठीक है, आप लो को थोड़ा सा कम करें तो अच्छा है। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट, हमने चेक कर लिया ऑलरेडी, हाँ ठीक ठाक था। तो अभी इसका लेवल देखेंगे फुल ट्रैक के साथ। ध्यान रखिएगा जो प्री म्यूजिक जो बजेगा या जो M1 M2 म्यूजिक 1 म्यूजिक 2 जो बजेगा, ये लेकिन वोकल के लेवल के आसपास में होना चाहिए। बहुत कम होगा तो मुश्किल है और बहुत ज़्यादा होगा तो भी और मुश्किल है। तो वोकल के लेवल के साथ बैलेंस करते हुए उसको बैलेंस कीजिएगा आप। तो टोटल जो है अभी -14.4 ऐसा कुछ टेम्परेचर में हम लोग आ गए हैं। बाकी जो है सब तो आपका छोटा मोटा सब चीज़ है, गिटार कॉर्ड SFX ऐसा कुछ है, ऑडियो 1 हारमोनिक्स ऐसा कुछ था। तो हारमोनिक्स सुनते हैं क्या है, हारमोनिक अच्छा ये हारमोनिका है, तो चलिए हारमोनिका को एक बार सुन लेते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ से शायद म्यूज़िक होगा,
तो ये शायद इसको देखते हैं, हारमोनिका को सुन लेते हैं क्या वजह इसमें। ये तो पहले से ही आपका कीबोर्ड से निकला हुआ साउंड, सेम 550B लगा दीजिए और इसमें आप एक स्ट्रिंग्स का प्रीसेट ले लीजिए, वायलिन वन या वायलिन समथिंग एल्स। तो इसमें आपको कुछ मिलेगा, जैसे टोन मिलेगा, लेकिन टोन में आपको कुछ काम करना पड़ेगा आपने, मतलब अपने कानों पे सुनने के बाद। चलिए सुनते हैं। आउटपुट देख लीजिए, ठीक ठाक है आउटपुट, क्लिप नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक। सब इक्यू देकर छोड़ दिया। अभी इसमें आपको जो चीज़ देना है सेम वही आपको, आपका जो सब बास 1-2 रिवर्ब भी देना है और इसमें आपको डिले भी देना है। चलिए पहले डिले को चेक करते हैं। ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। अभी रिवर्ब, चलिए रिवर्ब देखते हैं। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा। अभी जब रिवर्ब डिले आपने लगा ही दिया, इसको फिर से ज़ीरो डाल दीजिए। अभी सबके साथ चेक कीजिए। क्योंकि बहुत शार्प नोट है, शार्प टोन है, इसको ध्यान से कीजिएगा, इसका स्पेल ज़्यादा ना हो जाए। ये भी लूप में बज रहा है अभी। चलिए इसको तो हो गया हारमोनिका, तो इसको भी हम इधर रख देते हैं। अब इसके बाद क्या था देखते हैं। हम यहाँ पे थे तो इसका पीछे ये भी तो था, ये दोनों ट्रैक एक साथ ही बज रहा है, तो इन दोनों को पहले अच्छा इफेक्ट्स है पार्ट डेडी का, इसको भी हम एक हद तक लेवल दे देंगे। चलिए ये इफेक्ट्स ट्रैक जो है इसको ज़्यादा मतलब कुछ नहीं करना, एक एफएक्स डाल दीजिए इसमें, सुनिए कैसा लगता है। ऐसा कर रहेगा ठीक ठाक ही लगता है इस एफएक्स ट्रैक। इसके बाद आपको ये हारमोनिका आ रहा है, और हारमोनिका के बाद क्या आ रहा है, फिर से आपको आ रहा है गिटार, और ये दोनों चीज़ आ रही है। एक बार देख लेते हैं मिक्स विंडो में, अच्छा दोनों यहाँ पे हैं। अब इसको हम सोलो करके सुनते हैं। अच्छा, इसमें तो डिले लगा हुआ है ही, VST इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया इसमें, और ये वाला इसमें क्या था। अच्छा, तो इसमें एक काम कीजिए, इसमें अब हम काम करेंगे, इसको ये जो मेन गिटार है इसको थोड़ा सा आगे रखेंगे, और इसमें ज़्यादा कुछ देने का ज़रूरत है ही नहीं। आप इसमें सिर्फ एक इक्यू डाल दीजिए, 3.7 बैंड इक्यू डाल दीजिए। इसमें आप जैसा हाई मिड फ्रिक्वेंसी हाई पास फिल्टर एंड लो पास फिल्टर दोनों को ऑन करते हुए आप इसको बेल मोड में लेकर जाइए, थोड़ा सा हाई कीजिए और ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और इसमें ऑक्टेव को थोड़ा सा टाइट कर दीजिए ताकि वो 50 हर्ट्ज तक पहुँचे। फिफ्टी 50.6 हर्ट्ज तक पहुँच गया, तो इसमें हम थोड़ा सा मतलब लो को खा गए हैं और हाई जो फ्रीक्वेंसी है इसको थोड़ा सा बूस्ट किया है। अब इस पर देखिए आउटपुट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लो को थोड़ा सा कम करते हैं, आउटपुट को थोड़ा सा कम करते हैं। मेरे ख्याल से चल जाएगा, इसमें ऑलरेडी डिले है, रिवर्ब भी तो है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा रिवर्ब इसमें डालेंगे, तो थोड़ा सा रिवर्ब ज़्यादा नहीं, सुनिए।
और इसमें कुछ देने का नहीं है, सिर्फ ये जो EQ है इसको कॉपी करके इसमें डाल दीजिए। इस EQ को हमने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया है, आप सुनते हैं। तो यहाँ तक हम सब कुछ ठीक ठाक ही है, तो ये दोनों अभी इधर आ जाएगा क्योंकि हमने इस दोनों को कर दिया है, इन दोनों को कर दिया है, वार्ड एंड एफेक्ट्स को, इसको भी आप इधर डालिए ताकि आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा क्या क्या कौन किस लेवल तक है। अब बाकी रहेगा ये सब कुछ, ये सब, ये फाइनल वोकल शायद गलती से लग गया है यहाँ पे, इसको हम डिलीट कर देंगे, फाइनल वोकल नहीं चाहिए, इसको हम रखेंगे ही नहीं। क्या था इसमें, कुछ नहीं था, तो इसको पकड़ते हुए म्यूट कर दीजिए। बाकी रह गया ऑडियो नंबर 1, ये क्या है इसको हम देखते हैं। अच्छा, इसमें हम जाएंगे मिक्स विंडो में ऑडियो नंबर 1, सोलो करके सुनते हैं क्या है इसमें। अच्छा अच्छा, शेकर है, एक्चुअली रिदिम का पार्ट है ये। इसमें सिर्फ क्या डालेंगे आप, सिर्फ EQs 550A डालेंगे EQs, और देखिए इसमें प्रीसेट तो मिलेगा आपका, जैसे कि हाई हैट्स, ऐसा कुछ हाइट्स 2 ले सकते हैं आप, और उसका आउटपुट देखिए पहले। फाइव किलो हर्ट्स के ऊपर हाई, इसको थोड़ा सा बढ़ाना है हमको। मिड फ्रिक्वेंस थोड़ा सा काम करे तो अच्छा है, लोस को कम करें, -12 dB तक है इसका फिल्टर जो है, लो पास फिल्टर दबा देंगे तो सुनिए, बाईपासों के साउंड सुन रहा है और ये इफेक्टेड साउंड है, तो ये ड्राम्स के साथ जाएगा। तो ड्राम्स कहाँ पे था, मतलब रिदिम कहाँ पे था, यहीं पे था रिदिम्स, इसके बगल में रखता हूँ, सुनता हूँ। अच्छा, चोख मेले तोर देखा हल्का हाशी माखा ठोटे तो थाते जा, बराबर। अभी कौन कौन रह गया, ये चारों रह गया, ये इसमें तो नहीं था। क्वायर में क्या है देखता हूँ, क्वायर में कुछ है ही नहीं, ये था कुछ क्वायर। अच्छा, ये म्यूजिक पोर्शन में आएगा, तो चलिए मिक्सिंग में आता हूँ। अच्छा, कीबोर्ड से निकला हुआ साउंड, इसमें सिर्फ 550 रहेगा, इसमें 2K नीचे और 8K थोड़ा सा आगे कर देंगे, थोड़ा सा लो को हम खा जाते हैं 10 dB तक, और लो को रही तो बात आपका 31 Hz वाला जो है बैंड, इसको पूरा लो कर देता हूँ मैं, लेवल चलेगा 1.2.2 -2.2 रहेगा तो ठीक रहेगा। इसमें थोड़ा सा हम रिवर्ब देंगे, इसमें रिवर्ब दे रहे हैं देखिए, सुनिए, क्योंकि किसी का बैक में चल रहा है, सो इसको हम अभी नहीं गिनेंगे, अभी देखेंगे इसके साथ साथ और क्या है एक्चुअली, इसके बाद चाहे हम उसको बैलेंस करेंगे, इसके ऊपर आगे नीचे कुछ जरूर कुछ होगा। ये तो है ये वाला सोलो वायलिन, चलिए सोलो वायलिन
देखते हैं। अच्छा हाँ, इसका पीछे रहेगा ये, तो पहले सोलो वाले इनको सोलो सुनते हैं। सुनने के साथ टाइम टाइम हम डायनेमिक्स देंगे और उसमें हम करेंगे क्या शेप्स ओमनी चैनल जो है उसमें हम डाल देंगे। और यहाँ से कुछ लोड कीजिए पहले, देखिए यहाँ पे सुनिया टाइट जैसे कुछ चाहिए हमको। आप इसमें ऑर्गन एंड कीज ले लीजिए तो रहेगा ठीक ठाक। इसका देखिए इक्यू सेक्शन हाइज में कंप्रेसर ठीक ठाक है, इक्यू सेक्शन थोड़ा सा हाई करेंगे तो ठीक ठाक लगेगा मेरे ख्याल से। और लो उसको खा जाइए। इसमें देखिए मेरे ख्याल से तो उससे ठीक ठाक ही लग रहा है। अभी उसके साथ सुनते हैं। इसमें रिवर्ब डालना है और कुछ नहीं, डिले तो है ही उसके अंदर, रिवर्ब डाल देंगे 1-2 और सुनते हैं इसको। हाँ तो अभी ट्रैक के साथ सुनते हैं लेवल को मिलाते हुए। एक कोरस को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। तो ये हो गया, अभी इसको बगल में आप रख दीजिए क्वायर एंड उसके साथ साथ सोलो वायलिन। बाकी रह गया ये तीन चीज, इसके इसमें क्या है देखते हैं। ये वाला चलिए इसको भी देख लेते हैं, पोर्टाबेंट ऐसा कुछ है क्या इसमें। अच्छा अच्छा ये तो पहले से टोन किया हुआ है, इसको ज़्यादा शार्प नहीं करने से अच्छा होगा। तो इसलिए हम सोलो वायलिन वाला जो इक्यूज हमने लिया थे यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो देखिए क्या होता है, आज का जो रिवर्ब लिया था सेम रिवर्ब को कॉपी कर देते हैं इसमें। बहुत तो हाई पिच है इसका, तो संभाल के कीजिएगा नहीं तो आपका जो पीक लेवल है पीक लेवल क्रॉस कर जाएगा वो। अच्छा बाद में फाइनल बैलेंसिंग जब करेंगे तब उसको सुनते हुए हम कर लेंगे। अभी रह गया ये वाला संतूर कहाँ पे है देखते हैं। अच्छा यहीं पे था संतूर, यहीं पे था तो जाते हैं वहाँ पे। जैसा अभी सुनते हैं संतूर में क्या था, इसको एक बार सोलो करके सुन लीजिए। बहुत बढ़िया, सेम जो है आप इसको कप कर दीजिए वहाँ पे और सुनिए। इसमें लेकिन आपको सिर्फ रिवर्ब जाएगा, इसमें डिले मत दीजिएगा नहीं तो वो खराब कर देगा टोन को। अब इसको सुनते हैं हम ट्रैक के साथ और बैलेंस करते हैं।
तो हो गया। आर बी ए जो था ये हम देखेंगे एक्चुअली चीज़ क्या ही है। अच्छा सब यहीं पे बहुत सारे टुकड़ा टुकड़ा ट्रैक है एक्चुअली लिया है यहाँ पे। मिक्सिंग में आते हैं, मिक्सिंग में जाके देखते हैं हम सोलो करके क्या था एक्चुअली ये। अच्छा ऐसा कुछ, तो इसमें जो स्ट्रिंग्स बज रहा है इसमें आप इक्यू देखे, आपको यहाँ पे जाइए क्या बोलते हैं, हाँ जी क्यू में क्लासिक में जाइए, यहाँ पे आपको 32 बैंड आपको मिलता है। तो इसमें थोड़ा सा हाई सेक्शन को देखें आप, थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए जो 80 हर्ट्ज़ के नीचे जो फ्रीक्वेंसी जो है इसको थोड़ा सा खा जाइए आप। फोर के आसपास जो सिग्नल है तो थोड़ा सा जाएगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी है इसमें, देखते रहिए ठीक ठाक लग रहा है। इसको वापस करके सुनते हैं, डल लग रहा था, थोड़ा क्लैरिटी आया इसमें, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। और इसमें आपको लेना पड़ेगा बास जो है, रिवर्ब भी लेना पड़ेगा और साथ में आपको लेना पड़ेगा डीले भी। तो दोनों को देके आप पहले डीले को सेट कर लीजिए। इसके साथ साथ रिवर्ब सुन के देखिए एक बार। थोड़ा सा रिवर्ब काम कर रहा है, ठीक ठाक ही काम कर रहा है, तो इसको इतने रखेंगे तो अच्छा है। देखते हैं अभी सोलो को उठा देता हूँ, सबके साथ बजेगा भी। अच्छा लीड सेक्शन आइए, यहाँ मिक्स में जाके तो हम देखा अभी यहाँ पे जो एंडिंग में जो जा रहा है मिक्स, यहाँ से मिक्स हो रहा है आपका पियानो, तो इसको यहाँ तक नहीं रहना चाहिए, यहाँ से आप फिर इसको फेड आउट कर दीजिए और लंबा खींच रहा है वो, देखिए ठीक है। अभी जो सुन रहे हैं हम लोग पूरा ट्रैक को सुन रहे हैं, अच्छा जा रहा है सब कुछ। तो टेंटेटिवली जो मिक्स आपने अभी करे यहाँ पे आपने जो किया है इसका हाईएस्ट जो पिक लेवल था देखिए -13.9 में आके रुक गया है, मतलब आपका जो स्पेल होना चाहिए था यहाँ पे वो स्पेल आपका -13.9 में है जो कि -10 to -15 dB के टेम्परेचर में है, इसके अंदर ही है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी एनालाइजर रखा है कि हमको नज़र में आया कि कौन सा फ्रीक्वेंसी कितना रिस्पॉन्स दे रहा है। अभी इस प्रीमिक्स को जब हम मास्टरिंग करेंगे तभी हमको ये जो एनालाइजर जो हमने लगाया यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा काम करेगा हमारे लिए, हम उसको देख के मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कौन सा फ्रीक्वेंसी कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं और कहाँ तक हमको उसको पंच देना है।
तो एक बार चलिए शुरू से सुनते हैं। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে দেখেছি তোকে প্রথমে, সেদিনই বুঝেছি হৃদয়টা কিভাবে থামে। তোর ওই হাতটা ছুঁয়ে গেল সব কষ্ট ধুয়ে, হারিয়ে গেল সব বুকের জ্বালা। তোর ওই হাতটা ছুঁয়ে গেল সব কষ্ট ধুয়ে, হারিয়ে গেল সব বুকের জ্বালা। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে দেখেছি তোকে প্রথমে, সেদিনই বুঝেছি হৃদয়টা কিভাবে থামে। তোর ওই হাতটা ছুঁয়ে গেল সব কষ্ট ধুয়ে, হারিয়ে গেল সব বুকের জ্বালা। চোখ মেলে তোর দেখা, হালকা হাসি মাখা ঠোঁটে তো থাকতে চা, দেখে বুকে এত ভালোবাসা পাবি কোথা। তো দোস্তো, ইস তরহ সে एक बार जब गाना को आप टप टू बटन सुन लेंगे एक बार, तो उस टाइम आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, मतलब बैलेंस फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं आप बैलेंस के हिसाब से। और उसके बाद आपको आना है, बाउंस फाइल करना है आपको, लेकिन आपको तो क्लाइंट उतना टाइम नहीं देगा, उस टाइम में काम कर सकते हैं डायरेक्ट। अभी उसी प्रोजेक्ट में आप उसको मास्टरिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने क्या यहाँ पर ले रखा है, एक एनालाइज़र, देखिए एनालाइजर है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करते हैं। और इसमें हम शॉर्टकट जो मास्टरिंग टूलकिट है वो लगा देंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे टॉप में आपको देना पड़ेगा एक प्लगइन्स, जो प्लगइन्स आपको देना पड़ेगा यहाँ पे आप दे दीजिए एक EQ दे दीजिए, GQ जैसा है ना, ये वाला एक GQ दे दीजिए। और उसके नीचे आप रखिए एक साउंड फील्ड में एक रखिए जैसा इमेजर स्टूडियो, इमेजर रखिए। और थर्ड में रखिए जो मैक्सिम बोल के एक प्लगइन्स होता है ProTools में, इसको लगा दीजिए। तो इसमें क्या होगा, देखिए अभी मैक्सिम को छोड़िए, इमेजर को छोड़िए, अभी जो ये जो GQ लिया है, इस GQ को हम काम करेंगे कैसे, गाना को सुनते हुए इसको जो फ्रीक्वेंसी आपको फाइन ट्यून अप करना है उसको कर सकते हैं। आप सुनते जाइए, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है वो भी आप ध्यान में रखिएगा ग्राफिक्स को देखते हुए। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে দেখেছি তোকে প্রথমে,
সেদিনই বুঝেছি হৃদয়টা কিভাবে থামে। তো ইয়ে আপকা 30 band EQ হ্যাঁ, 30 band EQ মে আপকো জেসা কে দেখিয়ে ইয়াহ পে ফ্রিকোয়েন্সি কো আপ বুস্ট কর সকতে হো থোড়া উপর টাইট। ভেজাবি কেলে দেখেছি তোকে প্রথমে। আর ইয়ে জো ইয়াহ পে দেখিয়ে 200 হার্টজ কে আসপাস কুছ কর দে হাম। হৃদয়টা কিভাবে থামে তোরই হাতটা ছুঁয়ে গেলো সব কষ্ট ধুয়ে। আমি মিড ফ্রিকোয়েন্সি মে তোমার সাথে কাম করেঙ্গে। গেলো সব বুকের জ্বালা তোরই হাতটা ছুঁয়ে গেলো সব কষ্ট ধুয়ে হারিয়ে গেলো সব। আপনি 16 kHz ইয়া 20 kHz ইজ অফ ফ্রিকোয়েন্সি আপনার দেখ রে। ইস ফ্রিকোয়েন্সি মে আপকো জো যে রেসপন্স কর রা গ্রাফিক্স উসি কে হিসাব সে আপকো উসকো ব্রাইট আপ করনা হ্যায়। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে দেখেছি তোকে প্রথমে সেদিনই বুঝেছি হৃদয়টা কিভাবে থামে তোরই হাতটা ছুঁয়ে গেলো সব কষ্ট ধুয়ে হারিয়ে গেলো সব বুকের জ্বালা তোরই হাতটা ছুঁয়ে গেলো সব কষ্ট ধুয়ে হারিয়ে গেলো সব বুকের জ্বালা। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে দেখেছি তোকে প্রথমে। জো ব্যান্ডস কো হমনে থোড়া বহুত ইকু কিয়া হ্যায়, বুস্ট আপ কিসি কো বুস্ট আপ কিয়া হ্যায়, কিসি কা 1.7 dB ইয়া এসা 2 dB তক হমনে রিডিউস কিয়া ভি হ্যায়। ফ্রিকোয়েন্সি কে হিসাব সে আপ ইয়াহ পে দেখ রহে 25 Hz সে লেকে আপ টু 20 kHz তক ইয়াহ পে ব্যান্ড রাখা হুয়া হ্যায়। তো ইয়ে ব্যান্ড কো দেখতে হুয়ে আপকো জহাঁ জহাঁ পে ফ্রিকোয়েন্সি চাহিয়ে উসকো আপ বুস্ট কর সকতে হো ইয়া রিডিউস কর সকতে হো। উসকে সাথ সাথ টোন ভি থোড়া বহুত চেঞ্জ হোগা। ইয়ে দেখিয়ে ইয়ে হ্যায় জব মে ইসকো অন করকে রাখা হুঁ। আব ইসকো মে বাইপাস করতা হুঁ। বাইপাস করনে কে বাদ টোন সুনিয়ে। ইসমে থোড়া ক্রাঞ্চিনেস কম হ্যায় থোড়া সা বুমিং আপকো লাগে ইয়াহ পে ইস এরিয়া মে, জেসে কি আপকো 40-50 Hz কে আসপাস এক বুমিং নজর আ রহা হ্যায়। সুন কে দেখিয়ে বৃষ্টি ভেজা বিকেলে আমি অন কর রহা হুঁ মে। তোকে প্রথমে সেদিনই বুঝেছি হৃদয়টা কিভাবে থামে তোরই হাতটা ছুঁয়ে গেলো সব কষ্ট। গর কিজিয়ে কে বাস কা নোট আপকো ঠিকঠাক সময় দে রেখে নিয়ে গেলো সব বুকের জ্বালা। ये फ्रीक्वेंसी आपको 100 हर्ट्ज के आसपास ही मिलेगा। तो आप इसको अगर थोड़ा बासी करना चाहते हैं, बूमिंग ज़्यादा करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा 80-100 Hz के आसपास जो बैंड है इसको थोड़ा सा बूस्ट अप कर सकते हैं 1-2 dB। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে দেখেছি তোকে প্রথমে সেদিনই বুঝেছি। জব আপকো লাগে কি হ্যাঁ ঠিকঠাক ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউট কর রহে তব উসকো ছোড় দিজিয়ে আপ। আসকা ইসকা উপর ওয়ালা জো থা কোই প্লাগইন ইয়াহ পে নেই থা, ইনঅ্যাক্টিভ থা। উসকে বাদ নিচে দেখি ইমেজার হ্যায়, ইসকো মে অ্যাক্টিভ করতা হুঁ। ये आपको इमेजर आपको इमेज देगा स्टीरियो फाइल देने के लिए। तो चलिए सुनते हैं। इधर उधर कर सकते हैं लेकिन इसको वाइट करना है हमको, लेफ्ट सिग्नल एंड राइट सिग्नल को वाइट करना है। तो जब भी आपको वाइट करना है तो इसको आप सिग्नल को देखते हुए उसको बैलेंस कीजिए। বৃষ্টি ভেজা বিকেলে
देखेছি তোকে প্রথমে। इसमें क्या होता है, जो सिग्नल है इस सिग्नल नैरो हो जाता है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर रहा हूँ तो नैरो हो जा रहा है। उसमें आपका जो डिग्री जो है, यहाँ से ज़ीरो डिग्री का पकड़ते हुए आप अगर जाएंगे तो इस ये जो एंगल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एंगल हमेशा आपको 45 डिग्री एंगल में होना चाहिए। मतलब ये 90 डिग्री एंगल में है तो यहाँ से 40 डिग्री एंगल में 45 डिग्री एंगल में रहेगा तो आपको ठीक ठाक स्टीरियो फील सुनाई देगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको 45 डिग्री एंगल करने का कोशिश करता हूँ जहाँ तक है यहाँ पे। देखिए अगर ऐसा रखेंगे, ज़्यादा कर देंगे तो वाइडनेस ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं चाहिए हमको। 45 डिग्री एंगल चाहिए हमको, सुनते हैं। अब इसको मैं बाईपास कर रहा हूँ। সেদিনই বুঝেছি হৃদয়টা কিভাবে থামে। তো স্টিরিও ফিল মে থোড়া ফরক হো রা হ্যায়। আব জব ইয়ে জি কিউ এন্ড স্টিরিও ইমেজার কা দোনো কা কাম আপ হো জায়েগা, উসকে বাদ আ জাইয়ে ম্যাক্সিম পে জো আপকো পাঁচ দেগা আলটিমেটলি। আর ইয়ে জো অ্যানালাইজার হ্যায় ইসকো বাজু মে খোল কে রাখিয়ে, আর আপ ইসকো ভি देखते रहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या क्या दे रहा है वो। एक्चुअली अब देखिए लो एंड में फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक दे रहा है। ये जो आपका हाई एंड का एरिया दिखा रहा है, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया आपको ठीक ठाक ही दिखा रहा है। अभी इसको कहते हैं क्या, ये जो मैक्सिम जो हमने लगा है इसको हम प्रीसेट में जाएंगे। सीडी मास्टरिंग बोल के एक प्रीसेट मिलता है आपको। ये प्रीसेट लगने के बाद इसका जो थ्रेशोल्ड लेवल है इसको आप खींचना है नीचे, और इसका सीलिंग लेवल हमेशा -0.1 dB रखे तो अच्छा है। और इसमें देखिए जो 16 bit और 20 bit, 16, 18, 20 bit को मिलता है डिथरिंग ऑप्शन के लिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। और गानों को प्लेबैक करते हुए इसको खींचे नीचे की तरफ। अभी इसका प्रेशर बढ़ जाएगा बहुत। बाया तरफ जो ये जो आपको दिखा दे रहा है ना, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड में जो दिखाई दे रहा है एक्चुअली हिस्टोग्राम है, जो ऑडियो इसके अंदर आ रहा है उसी का SPL बता रहा है एक्चुअली। तो देखिए इसका हिट कीजिए एक बार, अभी ज़ीरो में है, गाना जैसे चलेगा वो आपको शो करेगा। इनपुट सेक्शन एंड आउटपुट सेक्शन। अभी मैं इसको नीचे लेके आता हूँ फेशियल को। হৃদয়টা কিভাবে থামে, তোর ওই হাতটা ছুঁয়ে গেল সব কষ্ট ধুয়ে, হারিয়ে গেল সব। जब भी आप इसको नीचे की तरफ खींचेंगे थ्रेशोल्ड को, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो -0.1 थ्रेशोल्ड जो आपने यहाँ पे रखा है वो टच कर रहे कि नहीं मास्टर पे। तो आपको यहाँ पे भी देखना है और मास्टर को भी देखना है। चलिए देखते हैं। प्रीस्टी भेजा बिकेले देखेछी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे -0.1 dB ऑलरेडी पहुँच गया। तो आपका पिकअप लेवल जहाँ पे आपको होना चाहिए था वहाँ तक आप पहुँच गए। आपका एनालाइजर भी बहुत अच्छी तरह आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फ्रिक्वेंसी। देखिए प्रीस्टी भेजा बिकेले দেখেছি তোকে প্রথমে, সেদিনই বুঝেছি হৃদয়টা কিভাবে থামে, তোর ওই হাতটা ছুঁয়ে গেল সব কষ্ট ধুয়ে। তো যাবি আপকা ইয়ে থ্রেশোল্ড লেভেল আর SPL আপকো यहाँ पे -0.1 dB दिखा देगा, उसी वक्त आपको ये थ्रेशोल्ड लेवल छोड़ देना चाहिए उसी जगह पे। और इसको बंद करके आपको फिर इसको आपको क्या करना चाहिए, इसको बंद करके आप इसको मिक्स डाउन कर दीजिए, बाउंस कर दीजिए। जब इसको बाउंस कर देंगे तो उस टाइम आपको मिलेगा पूरा मार्केट क्वालिटी जैसा साउंड। अभी जो प्लगइन्स मैं यहाँ पे रखा हूँ, लगा के रखा हूँ, ये अगर मैं बाईपास कर दूँगा तो गाना का क्वालिटी कैसा होता है देखिए। अभी विदाउट एनी प्लगइन्स ऑन द मास्टर जस्ट सुनिए। प्रीस्टी भेजा बिकेले
अभी मैं प्लगइन्स को ऑन कर रहा हूँ। तो आपको ये फर्क नजर आ गया, तो इस तरह से आप क्लाइंट को रेडीमेड मिक्सिंग और मास्टरिंग करके दे सकते हैं। क्लाइंट भी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपका क्वालिटी बहुत अच्छा निकलेगा उसमें से। इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको जितना मतलब प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कान एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको आप आदत में कर डालिए, क्योंकि एक दिन में आप मास्टर नहीं कर सकते, एक दिन में आप मिक्सिंग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, आपका जो ब्रेन है ब्रेन को टाइम देना पड़ता है। उसके साथ साथ आप अपना जो जो अपना जो कलाकारी है उसको आप दिखा सकते हो। फ्रेंड्स, जब हम लोग हमारा जो कॉमेंट बॉक्स देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमको ये चीज़ मतलब ये देखने को पड़ता है कि सर मिक्सिंग के बारे में मास्टरिंग के बारे में कुछ बताइए, कुछ दिखाइए। मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि देखिए, जैसे कि अभी सबके पास एक कंप्यूटर है, सबके पास साउंड कार्ड है, सबके पास माइक्रोफोन है, तो घर में बैठ कर कोई भी साउंड रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी आपको वही चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर जगह में जैसे कि एक माइक्रोफोन रहेगा, एक साउंड कार्ड रहेगा और एक कंप्यूटर रहेगा, तो आप कमर्शियल क्वालिटी जैसा कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। ज़रा गौर से सुनिए, आपके पास माइक्रोफोन हो, साउंड कार्ड हो और जैसे कि एक कंप्यूटर हो, तो आप कमर्शियल क्वालिटी जैसा रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए दो तीन चीज़ इसका पीछे है। जैसा कि जिस रूम पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उस रूम का रूम एकोस्टिक कितना तगड़ा है, उसमें साउंड प्रूफिंग कितना तगड़ा है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि आपका रूम का जो नॉइज़ है रिकॉर्डिंग करते वक्त, वो नॉइज़ भी उसके साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन ये नॉइज़ आप खाली मतलब खाली कान में आप सुन नहीं सकते हो। जब वो प्रोसेसिंग के बाद एम्पलीफाई होता है, तब ये नॉइज़ और भी ज़ोरदार होकर सुनाई देता है। और आप लोग मिक्स करते हो, बोलते हो कि हमारा रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं हो रहा है, हमारा कमर्शियल जैसा मतलब मार्केट क्वालिटी जैसा मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपना रूम, जो जिस रूम पर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इस रूम का एकोस्टिक के बारे में थोड़ा सोचिए, और जिस माइक्रोफोन से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसका अंदर, जिस माइक्रोफोन से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसमें प्री एम्प का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ये भी आप देखिए। क्योंकि प्री एम्प का भी एक बहुत एक्टिविटीज़ है जब रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो। और उसके साथ साथ जिस रूम में बैठ के आप कंट्रोल कर रहे हो, मास्टरिंग कर रहे हो, मतलब जिसका आप बोलते हो क्या मास्टर रूम या कंट्रोल रूम, ये कंट्रोल रूम का भी एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपका नियर फील्ड मॉनिटर आपको ठीक ठाक आवाज़ सुनाए, आपको सुनने को दे, या आपका नियर फील्ड मॉनिटर से जो आवाज़ आपको निकल रहा है उसी आवाज़ को अगर ठीक ठाक आपको सुनाई दे, इस हालत में आपका कंट्रोल रूम रखिए। और स्पीकर्स का जो सेटिंग है उस सेटिंग को भी ठीक ठाक करके रखिएगा, मतलब ठीक ठाक एंगल पे। तो हमारा वीडियोस में सब कुछ ही आएगा, एक एक करके आएगा, लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ जैसे कि मैदान में उतरते ही मिक्सिंग और मास्टरिंग के बारे में ना सोचे तो अच्छा है, क्योंकि इसके पहले आपको बहुत कुछ जैसे कि हाउ टू रिकॉर्ड, कितना डेसिबल मेंटेन करते हुए आपको हेडरूम रखना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें आदत डालिए। और उसके बाद आपका प्री एम्प क्या बोल रहा है, कहाँ तक प्री एम्प को आप सैचुरेशन देंगे, ये भी आप थोड़ा सा आइडिया करके फिर आप दीजिए, उसमें रिकॉर्डिंग कीजिए। तो आपका रिकॉर्डिंग जब इनबिल्ट क्वालिटी मतलब प्रोडक्शन क्वालिटी जब आपका अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली आपका मिक्सिंग अच्छा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इक्यूज के बारे में ठीक ठाक से प्रैक्टिस कीजिए। रिकॉर्डिंग जैसे प्री प्रोडक्शन में जो रिकॉर्डिंग होता है, उस रिकॉर्डिंग का क्वालिटी जैसे कि हेडरूम, रिकॉर्डिंग का हेडरूम आपको ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, ये आपको ध्यान दीजिए। प्रीमिक्स को ठीक ठाक से कीजिए, उसके बाद आप मिक्सिंग में आइए तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। जब प्रीमिक्स आपका ठीक ठाक रहेगा, प्री प्रोडक्शन आपको ठीक ठाक रहेगा, तो ऑब्वियसली अभी आप
इसका आपका बारी आता है कि आप मिक्सिंग या मास्टरिंग का टेक्निक्स को आदत डालिए, मतलब कैसे किया जाता है इसको आदत डालिए, और एक दिन में आपको ये चीज़ आदत नहीं पड़ेगा। आपको सालों साल प्रैक्टिस करने के बाद जब आपका तजुर्बा एक्सपीरियंस जब बहुत हो जाएगा तभी आपको जाके ऐसा लगेगा कि हाँ आप मेरा प्रोडक्शन क्वालिटी ठीक ठाक हो रहा है। मार्केटिंग जो प्रोडक्शन मिलता है, मार्केटिंग ऑडियोज जैसे मिलता है, मार्केट में जो ऑडियोज मिलता है कमर्शियल ऑडियोज की तरह आपको प्रोडक्शन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए शुरू से, ऐसे जंप करके जाना डायरेक्ट प्रीमिक्स में या डायरेक्ट मिक्स में या डायरेक्ट मास्टरिंग में जाना ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपको बहुत दूर तक जाना है। ऐसे अगर डॉच करते हुए जाएंगे तो आप ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे बात को बुरा मत मानिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ठाक से प्रैक्टिस कीजिए और शुरू से प्रैक्टिस कीजिए, जैसे रिकॉर्डिंग आपको ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं ये आप देखिए। उसके बाद आपका EQs और कंप्रेसिंग, ये दोनों चीज़ आपको ठीक ठाक कर पा रहे हैं कि नहीं ये देखिए, क्योंकि EQ एंड कंप्रेसिंग अगर ठीक ठाक कर पाएंगे आपका ऑडियो का क्वालिटी ऑटोमेटिकली खिल जाएगा। तो इसके बाद जब आप प्रीमिक्स करोगे, रिवर्ब डाल के, डिले डाल के, कितना रिवर्ब देना चाहिए, कितना डिले देना चाहिए, कितना अदर्स इफेक्ट जैसे कि कोरस और जैसे कि आपको साउंड फील्ड का इफेक्ट आपको देना चाहिए, तो ये कहाँ तक किस हद तक आप देंगे ये सब, मतलब आपका आदत जब हो जाएगा, मतलब प्रीमिक्स करने का जब आदत हो जाएगा तब आप मास्टरिंग में आइए, क्योंकि मास्टरिंग सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये सालों साल सुनने के बाद आपका कान ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा हाउ टू मास्टर ये प्रीमिक्स सॉन्ग फ्रॉम -10 to 15 dB टू 0 dB, बिकॉज इसमें कुछ मैथमेटिकल लॉज भी यहाँ पे काम करता है। तो दोस्तों, बुरा मत मानिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। Looking up in the park.